आटा चीनी के बाद अब गैस महंगी। सुई सदरन गैस का जामशोर और ज्वाइंट वेंचर के साथ कुदरती गैस की तरसील का मुआहदा खत्म। मुल्तान में गैस 10 रुपए फी किलो महंगी हो गई। घरेलू सिलेंडर में 50 और कमर्शियल में 450 रुपए का इजाफा। सदर LPG एसोसिएशन मलिक सईद ने मुआहदा बहाली ना होने पर गैस मजीद महंगी होने का इंदिया दे दिया। LPG एसोसिएशन का मुआहदा बहाल करने का मुतालबा। 15 करोड़ का हदफ, 5 माह में सिर्फ 5 करोड़ की रिकवरी की जा सकी। PHA मुल्तान की मार्केटिंग ब्रांच को पब्लिसिटी फीस की रिकवरी अहदाफ हासिल करने में मुश्किलात का सामना। आइंदा दिनों में रिकवरी को मजीद बेहतर बनाने के लिए लाहे अमल तैयार कर लिया गया। डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस रुबीना कौसर ने कहा कि रिकवरी अहदाफ 70% तक हासिल कर लेंगे। मियांवाली पिपला शहर की खूबसूरती के लिए ग्रीन बेल्ट पर पार्क बनाने का प्लान तैयार। असिस्टेंट कमिश्नर बिलाल बिन हफीज का पिपला बाजार का दौरा। कहते हैं पार्क के लिए जगह मुख्तस कर ली गई है। ग्रीन बेल्ट के 3 बड़े प्लाट वागुजार, बाकी तजावीजात का भी खात्मा करा दिया जाएगा। मुल्तान में जिला कचहरी की तौसी के हवाले से काम जारी। सदर डिस्ट्रिक्ट बार इमरान रशीद सुलहरी, जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी समेत दीगर बार ओहदेदारान की जिले कोर्ट आमद। बिल्डिंग गिराने और नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स तामीर के हवाले से काम का जायजा लिया। इमरान रशीद ने कहा कि 6 माह में इमारत मुकम्मल हो जाएंगी। मुल्तान डिवीजन में सस्ती चीनी की फराहमी का सिलसिला जारी। चारों अजला के डिप्टी कमिश्नर ने रिपोर्ट कमिश्नर को इरसाल कर दी। 13 रोज में मुल्तान डिवीजन में 2,15,314 किलो चीनी फरोख्त की गई। पेट्रोल की कमी की शिकायत पर डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन बहावलपुर इन एक्शन। शहर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप की इंस्पेक्शन की कम पैमाने पर 4 पेट्रोल पंप को 30,000 रुपए के जुर्माने आए। जायद रेट पर पेट्रोल फरोख्त करने वाले 4 यूनिट सील। उधर खानपुर की मस्जिदों का सामान चोरी करने वाला रंगे हाथों गिरफ्तार। शहर ने खूब दुर्गत बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया। और मुल्तान कार्डियोलॉजी अस्पताल की नर्सेज की दरख्वास्त का मामला। AMS समेत 3 डॉक्टर्स के खिलाफ इंक्वायरी कमेटी तश्कील। हुकूमत ने नर्सेज की दरख्वास्त पर तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। इंक्वायरी कमेटी 29 जून को तहकीकात करके रिपोर्ट इरसाल करेगी। आटा चीनी के बाद अब गैस महंगी। सुई सदरन गैस का जामशोर और ज्वाइंट वेंचर के साथ कुदरती गैस की तरसील का मुआहदा खत्म। मुल्तान में गैस 10 रुपए फी किलो महंगी हो गई। घरेलू सिलेंडर में 50 और कमर्शियल में 450 रुपए का इजाफा। सदर LPG एसोसिएशन मलिक सईद ने मुआहदा बहाली ना होने पर गैस मजीद महंगी होने का इंदिया दे दिया। LPG एसोसिएशन का मुआहदा बहाल करने का मुतालबा। 15 करोड़ का हदफ, 5 माह में सिर्फ 5 करोड़ की रिकवरी की जा सकी। PHA मुल्तान की मार्केटिंग ब्रांच को पब्लिसिटी फीस की रिकवरी अहदाफ हासिल करने में मुश्किलात का सामना। आइंदा दिनों में रिकवरी को मजीद बेहतर बनाने के लिए लाहे अमल तैयार कर लिया गया। डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस रुबीना कौसर ने कहा कि रिकवरी अहदाफ 70% तक हासिल कर लेंगे। मियांवाली पिपला शहर की खूबसूरती के लिए ग्रीन बेल्ट पर पार्क बनाने का प्लान तैयार। असिस्टेंट कमिश्नर बिलाल बिन हफीज का पिपला बाजार का दौरा। कहते हैं पार्क के लिए जगह मुख्तस कर ली गई है। ग्रीन बेल्ट के 3 बड़े प्लाट वागुजार, बाकी तजावीजात का भी खात्मा करा दिया जाएगा। मुल्तान में जिला कचहरी की तौसी के हवाले से काम जारी। सदर डिस्ट्रिक्ट बार इमरान रशीद सुलहरी, जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी समेत दीगर बार ओहदेदारान की जिले कोर्ट आमद। बिल्डिंग गिराने और नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स तामीर के हवाले से काम का जायजा लिया। इमरान रशीद ने कहा कि 6 माह में इमारत मुकम्मल हो जाएंगी। मुल्तान डिवीजन में सस्ती चीनी की फराहमी का सिलसिला जारी। चारों अजला के डिप्टी कमिश्नर ने रिपोर्ट कमिश्नर को इरसाल कर दी। 13 रोज में मुल्तान डिवीजन में 2,15,314 किलो चीनी फरोख्त की गई। पेट्रोल की कमी की शिकायत पर डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन बहावलपुर इन एक्शन। शहर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप की इंस्पेक्शन की कम पैमाने पर 4 पेट्रोल पंप को 30,000 रुपए के जुर्माने आए। जायद रेट पर पेट्रोल फरोख्त करने वाले 4 यूनिट सील। उधर खानपुर की मस्जिदों का सामान चोरी करने वाला रंगे हाथों गिरफ्तार। शहर ने खूब दुर्गत बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया। और मुल्तान कार्डियोलॉजी अस्पताल की नर्सेज की दरख्वास्त का मामला। AMS समेत 3 डॉक्टर्स के खिलाफ इंक्वायरी कमेटी तश्कील। हुकूमत ने नर्सेज की दरख्वास्त पर तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। इंक्वायरी कमेटी 29 जून को तहकीकात करके रिपोर्ट इरसाल करेगी।
आटा चीनी के बाद अब गैस महंगी। सुई सदरन गैस का जामशोर और ज्वाइंट वेंचर के साथ कुदरती गैस की तरसील का मुआहदा खत्म। मुल्तान में गैस 10 रुपए फी किलो महंगी हो गई। घरेलू सिलेंडर में 50 और कमर्शियल में 450 रुपए का इजाफा। सदर LPG एसोसिएशन मलिक सईद ने मुआहदा बहाली ना होने पर गैस मजीद महंगी होने का इंदिया दे दिया। LPG एसोसिएशन का मुआहदा बहाल करने का मुतालबा। 15 करोड़ का हदफ, 5 माह में सिर्फ 5 करोड़ की रिकवरी की जा सकी। PHA मुल्तान की मार्केटिंग ब्रांच को पब्लिसिटी फीस की रिकवरी अहदाफ हासिल करने में मुश्किलात का सामना। आइंदा दिनों में रिकवरी को मजीद बेहतर बनाने के लिए लाहे अमल तैयार कर लिया गया। डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस रुबीना कौसर ने कहा कि रिकवरी अहदाफ 70% तक हासिल कर लेंगे। मियांवाली पिपला शहर की खूबसूरती के लिए ग्रीन बेल्ट पर पार्क बनाने का प्लान तैयार। असिस्टेंट कमिश्नर बिलाल बिन हफीज का पिपला बाजार का दौरा। कहते हैं पार्क के लिए जगह मुख्तस कर ली गई है। ग्रीन बेल्ट के 3 बड़े प्लाट वागुजार, बाकी तजावजात का भी खात्मा करा दिया जाएगा। मुल्तान में जिला कचहरी की तौसी के हवाले से काम जारी। सदर डिस्ट्रिक्ट बार इमरान रशीद सुलहरी, जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी समेत दीगर बार ओहदेदारान की जिले कोर्ट आमद। बिल्डिंग गिराने और नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स तामीर के हवाले से काम का जायजा लिया। इमरान रशीद ने कहा कि 6 माह में इमारत मुकम्मल हो जाएंगी। मुल्तान डिवीजन में सस्ती चीनी की फराहमी का सिलसिला जारी। 4 अजला के डिप्टी कमिश्नर ने रिपोर्ट कमिश्नर को इरसाल कर दी। 13 रोज में मुल्तान डिवीजन में 2,15,314 किलो चीनी फरोख्त की गई। पेट्रोल की कमी की शिकायत पर डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन बहावलपुर इन एक्शन। शहर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप की इंस्पेक्शन की। कम पैमाने पर 4 पेट्रोल पंप को 30,000 रुपए के जुर्माने आए। जायद रेट पर पेट्रोल फरोख्त करने वाले 4 यूनिट सील। उधर खानपुर की मस्जिदों का सामान चोरी करने वाला रंगे हाथों गिरफ्तार। शहर ने खूब दुर्गत बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया। और मुल्तान कार्डियोलॉजी अस्पताल की नर्सेज की दरख्वास्त का मामला। AMS समेत 3 डॉक्टर्स के खिलाफ इंक्वायरी कमेटी तश्कील। हुकूमत ने नर्सेज की दरख्वास्त पर तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। इंक्वायरी कमेटी 29 जून को तहकीकात करके रिपोर्ट इरसाल करेगी। आटा चीनी के बाद अब गैस महंगी। सुई सदरन गैस का जामशोर और ज्वाइंट वेंचर के साथ कुदरती गैस की तरसील का मुआहदा खत्म। मुल्तान में गैस 10 रुपए फी किलो महंगी हो गई। घरेलू सिलेंडर में 50 और कमर्शियल में 450 रुपए का इजाफा। सदर LPG एसोसिएशन मलिक सईद ने मुआहदा बहाली ना होने पर गैस मजीद महंगी होने का इंदिया दे दिया। LPG एसोसिएशन का मुआहदा बहाल करने का मुतालबा। 15 करोड़ का हदफ, 5 माह में सिर्फ 5 करोड़ की रिकवरी की जा सकी। PHA मुल्तान की मार्केटिंग ब्रांच को पब्लिसिटी फीस की रिकवरी अहदाफ हासिल करने में मुश्किलात का सामना। आइंदा दिनों में रिकवरी को मजीद बेहतर बनाने के लिए लाहे अमल तैयार कर लिया गया। डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस रुबीना कौसर ने कहा कि रिकवरी अहदाफ 70% तक हासिल कर लेंगे। मियांवाली पिपला शहर की खूबसूरती के लिए ग्रीन बेल्ट पर पार्क बनाने का प्लान तैयार। असिस्टेंट कमिश्नर बिलाल बिन हफीज का पिपला बाजार का दौरा। कहते हैं पार्क के लिए जगह मुख्तस कर ली गई है। ग्रीन बेल्ट के 3 बड़े प्लाट वागुजार, बाकी तजावजात का भी खात्मा करा दिया जाएगा। मुल्तान में जिला कचहरी की तौसी के हवाले से काम जारी। सदर डिस्ट्रिक्ट बार इमरान रशीद सुलहरी, जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी समेत दीगर बार ओहदेदारान की जिले कोर्ट आमद। बिल्डिंग गिराने और नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स तामीर के हवाले से काम का जायजा लिया। इमरान रशीद ने कहा कि 6 माह में इमारत मुकम्मल हो जाएंगी। मुल्तान डिवीजन में सस्ती चीनी की फराहमी का सिलसिला जारी। 4 अजला के डिप्टी कमिश्नर ने रिपोर्ट कमिश्नर को इरसाल कर दी। 13 रोज में मुल्तान डिवीजन में 2,15,314 किलो चीनी फरोख्त की गई। पेट्रोल की कमी की शिकायत पर डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन बहावलपुर इन एक्शन। शहर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप की इंस्पेक्शन की। कम पैमाने पर 4 पेट्रोल पंप को 30,000 रुपए के जुर्माने आए। जायद रेट पर पेट्रोल फरोख्त करने वाले 4 यूनिट सील। उधर खानपुर की मस्जिदों का सामान चोरी करने वाला रंगे हाथों गिरफ्तार। शहर ने खूब दुर्गत बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया। और मुल्तान कार्डियोलॉजी अस्पताल की नर्सेज की दरख्वास्त का मामला। AMS समेत 3 डॉक्टर्स के खिलाफ इंक्वायरी कमेटी तश्कील। हुकूमत ने नर्सेज की दरख्वास्त पर तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। इंक्वायरी कमेटी 29 जून को तहकीकात करके रिपोर्ट इरसाल करेगी।